नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज को देखिए, मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके। तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे उसका ऊपर काम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ किया जाता है चार्ट एनालिसिस करने के लिए, मार्केट का बिहेवियर को थोड़ा समझने के लिए। तो जैसे मेरा सामने जो क्रूड ऑयल का चार्ट खुला है, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका बाय का कॉल होता है। तो जब भी कोई कॉल बनेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ, और उसी टाइम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें उसका डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे 1878 में बाय का कॉल दिया था, उसका स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ लिख के आ जा रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज़ होता है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में आपको ट्रेड करना चाहिए और कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, जैसे उसके लिए हम लोग को कुछ कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय का कॉल में फर्स्ट कंडीशन है, नीचे का रिबन का कलर को देख लीजिए, इसका कलर क्या है। देखिए बहुत पहले ही रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहीं से मार्केट में बाय वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये हम लोग एक फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, वो भी ग्रीन कलर का, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। देखिए आपको एक लाइन दिखाई देगा, जो जिसका कलर एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का ये वाइट लाइन, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और जहाँ से ये लाइन, ये न्यूट्रल लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, मतलब वहीं से आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस चुके हैं। तो फाइनली क्या हुआ, जब भी कोई बाय का कॉल बना, जैसे ये बाय का कॉल बना था आज को 12:50 पे, तो ये तीन कंडीशन देखना है, नीचे का रिबन का कलर क्या है, स्टार है या नहीं, और लाइन न्यूट्रल का ऊपर मूव कर रहा है। अगर ये तीन चीज़ मैच होता है, तभी जाके हम लोग ये कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अब क्रूड ऑयल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। तो बेसिकली हम लोग कुछ फिक्स स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए यहाँ पर एक पतला सा ग्रीन लाइन चल रहा है, इसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, जो मार्केट का साथ साथ मूव कर रहा है। आपको इसका साथ साथ मिडिल में दो ग्रीन कलर का पैरेलल लाइन भी दिखाई देगा। जब तक वो मिडिल का लाइन ग्रीन होकर कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आपका तब तक बाइंग पोजिशन स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए ऑलरेडी मार्केट 1906 में चला गया है, मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट में है। ऊपर में ग्रीन डॉटेड लाइन चल रहा है, जिसका वैल्यू है इसका लगभग वैल्यू है हम लोग का 1295 का आसपास शायद। तो इतना ऊपर तक जाने का अभी भी एक चांसेस है एज पर रेजिस्टेंस, और उसका आगे ही अगर मार्केट रिवर्स हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जिट का भी बटन सॉफ्टवेयर दे देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टोटली एक प्रेडिक्शन पर्पस यूज़ किया जाता है। चाहे आप कोई भी मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, निफ्टी हो, सबके लिए काम करेगा। जस्ट आपको एक प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगा, आपका इसका लॉजिक को फॉलो करना है, उसका बाद ही ट्रेड करना है। तो मेन चीज़ है मार्केट में कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट एंड लॉजिक सही रहा, देन यू कैन इजीली फाइट ऑन दिस मार्केट। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है, तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।